इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम पता टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी, तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा राज्य से हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक श्रमिक आए, एक एक श्रमिक का डेटाबेस तैयार हुआ, उसका नाम पता, उसका मोबाइल नंबर, उसका गृह जनपद, किस क्वारंटाइन कैंप से वो चला है हरियाणा से, और हरियाणा ने एक अच्छी चीज की, उन्होंने उनका आधार नंबर भी डाल दिया। तो बहुत ही अच्छा डेटाबेस, परमानेंट डेटाबेस हमारे कामगार भाइयों का, हमारे श्रमिकों का बन गया, और अब उनसे जो है निरंतर आगे प्रदेश सरकार में और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम निरंतर संपर्क में रहेंगे। एक अच्छी व्यवस्था लागू की गई, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हम लोग, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके चरणबद्ध रूप से लोगों को वापस लाएं, तो किसी को भी अनावश्यक रूप से पैदल चलकर आने की आवश्यकता नहीं।